हेलो दोस्तों दोस्तों विदेशों में घूमने से पहले हम उस जगह के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जिसे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही एक जगह है स्पेन, दुनिया का ऐसा चौथा देश जहां पर्यटक सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश फ्रांस के बाद स्पेन को यूरोपीय महाद्वीप के सबसे खास और आकर्षक देशों में गिना जाता है। स्पेन दक्षिण पश्चिम यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला पर स्थित है। आपको बता दें, स्पेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। स्पेन अपने बीच बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों और अलग अलग लोकप्रिय त्योहारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। अगर आप कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो आपको यहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जरूर आना चाहिए। 57 मिलियन की जनसंख्या के साथ स्पेन यूरोप का पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव सबसे पहले स्पेन में लगभग 32,000 साल पहले पहुंचे थे। स्पेन की 3/4 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। मैड्रिड शहर में लगभग 6.5 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि 5.5 मिलियन से भी अधिक लोग बार्सिलोना क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह इन दोनों शहरों की जनसंख्या पूरे न्यूजीलैंड देशों की जनसंख्या से अधिक है। स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना है। ये भूमध्य सागरीय तट पर मौजूद है। बार्सिलोना, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है, ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र माना जाता है। बार्सिलोना में आपको ऐतिहासिक इमारतें और महल देखने को मिल जाएंगे, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। बार्सिलोना स्पेन का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केंद्र भी है। आपको बता दे, यहां स्वादिष्ट चॉकलेट का भी उत्पादन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 के बाद स्पेन दुनिया का सबसे बूढ़ा देश होगा, जहां की 40% आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। नागरिकों के औसतन जीवन आयु के मामले में स्पेन ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग औसतन 82.8 साल की उम्र तक जीते हैं। इस मामले में भारत 125वें नंबर पर आता है। स्पेन बुल फाइटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। यहाँ होने वाले हर त्योहार और मेले में आयोजन बुल फाइटिंग देखने के लायक होता है। कई कलाकार इस दौरान घायल भी हो जाते हैं। स्पेन में पिछले 10 सालों में शुरू किए गए बिजनेस में से 40% को महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। 11वीं सदी में पूरे स्पेन पर मुसलमान शासकों का राज था। फुटबॉल स्पेन का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इस देश ने साल 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था। स्पेन में समुद्री बीचों की संख्या 8,000 से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यहाँ ये है कि कई लोग वहाँ पर नंगे ही धूप का नजारा ले सकते हैं, क्योंकि स्पेन में पब्लिक प्लेसेस पर नंगे होना गैर कानूनी नहीं। स्पेन की नेशनल करेंसी यूरो है। स्पेन की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्पेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होने और यूरोप में फ्रांस के पड़ोसी देश होने के बावजूद भी स्पेन ने किसी भी विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया है। स्पेन में नए साल की रात 12 बजे 12 अंगूर खाने का रिवाज है। माना जाता है कि ऐसा करने से आने वाला वर्ष भाग्यशाली रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से चुड़ैले भाग जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जैतून के पेड़ स्पेन में ही है। स्पेन दुनिया का शीर्ष जैतून के तेल उत्पादक देश है। स्पेन देश की साक्षरता दर 98% से भी अधिक है। स्पेनिश दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 44 देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। स्पेन में अक्सर लोग आपस में बातचीत करने के लिए कई बार शब्दों की जगह इशारों का भी उपयोग कर लेते हैं। स्पेन पहला यूरोपियन देश था जिसने बार और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों, ये था स्पेन। आपको स्पेन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।